तो बुलेटिन की शुरुआत करके सबसे बड़ी खबर के साथ में, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर जो है भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बड़े झटके की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है जो कृषि मंत्री है उनके कंधे से कंधे जो है मिलाकर काम करने वाले जो है दीपक है, वह जो है कांग्रेस का उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो है दामन थाम लिया। आपको बता दें जो है बालाघाट के जो पूर्व विधायक है उनका नाम है अनुभव मुजारे, जो है अपने जो है सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बता दें 2023 विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक चुनौतीपूर्वक ये चुनाव आ रहने वाला है। जिस तरीके जो कर्नाटक के रिजल्ट आए इसको को देखते हुए इस बार भी जो है ये जो रिजल्ट है चौंकाने वाले आ सकते हैं अगर ऐसे ही जो है भाजपा की जो है फेरबदल चलता रहा। चलिए अगली बड़ी खबर की और एक बात कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि 23 मई है आज, और आज जो है 2000 के नोट जो है आप अपने घर से निकलकर बैंक जाके जो है बदला सकते हैं। बैंक की बात करें, सोशल मीडिया पर जो है अफवाहें चल रही है कि जो आपको नोट बदलाने के लिए जो है कुछ शुल्क जो है बैंक वालों को देना पड़ेगा, कोई पहचान पत्र या फिर किसी तरह का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई ने जो नियम जो गाइडलाइन जो जारी की है ये ज़रूर है कि आपको जाने के बाद में वहाँ पे 10 नोट जो है आप बदल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बदल सकते, यानी एक दिन के अंदर आप 20,000 रुपया है वो ही बदल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है और आप अपने नोट को जो जाके बदल सकते हैं, किसी तरह का आपको कोई शुल्क या फिर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली की जंतर मंतर के अंदर एक बार फिर जो है पहलवानों का धरना, आज एक महीना हो गया है और उनका वो धरना जो है जारी है। आपको बता दें पहलवानों की मांगे है कि जो बीजेपी के सांसद है बृजभूषण सिंह उनके ऊपर ऐसा उन्होंने पहलवानों ने आरोप लगाया कि जो है जो महिला पहलवान है उनके साथ में उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। तो ये आज एक महीना हो गया है लगभग और जो है आज तक जो है इनका धरना जो है जारी है। ऐसा पहलवानों की मांग है, जब तक कि जो है बीजेपी सांसद जो बृजभूषण सिंह है उनके ऊपर कभी कार्रवाई गिरफ्तार नहीं होते जब तक कि अपना धरना ख़त्म स्थगित नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर है मुंबई से, जहाँ पर मुंबई के अंदर जो है आपको बता दें कि एक शख्स ने जो है मुंबई पुलिस को ट्विटर पे जो है ट्वीट किया कि मैं मुंबई के अंदर जो है जल्द ही एक बड़ा धमाका करने वाला हो, जिसको लेकर जो है मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है, मुंबई की जो सुरक्षा बढ़ा दी है, और जो भी जिसने ये मैसेज किया उसकी पड़ताल जो है मुंबई पुलिस जारी है। गौरतलब है कि इसके पूर्व के अंदर भी जो है मुंबई को ऐसी कई तरह की जो है धमकियाँ मिलती रहती है और मुंबई पुलिस जो है लगातार कार्रवाई भी जो है करती रहती है। तो ये बड़ी खबर है कि जहाँ पर मुंबई के धमकी मिली है मुंबई पुलिस को कि जल्द ही मुंबई के अंदर एक मैं बड़ा धमाका करने वाला हो। एक खुशखबरी की बात मध्य प्रदेश के भोपाल वासियों के लिए है, जहाँ पर जो है भोपाल को एक नई जो है सौगात मिली है। जो भोपाल के अंदर जो है एयरपोर्ट है, अब वहाँ से जो है गोवा की जो फ्लाइट शुरू कर दी गई है। गोवा आपको मालूम है कि भोपाल वासियों को गोवा जाने के लिए जो है इंदौर आना पड़ता था, इंदौर एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ के वह जो है गोवा जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब जो है डायरेक्ट जो है भोपालवासी वहीं से जो है फ़्लाइट लेकर उसको पकड़ के जो है अपने गोवा के लिए रवाना हो सकते हैं। भोपाल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। आपको मालूम है, आपको बता दें कि जो इस फ्लाइट का जो शुल्क है किराया है 4,088 रुपये जो है रखा गया है। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल वालों को एक जो है बड़ी सौगात जो है मिली है। एक और बड़ी खबर की बात कर लीजिए, जहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। वायरल वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है एक ट्रक के अंदर नज़र आ रहे हैं और ट्रक जो है चल रहा है। दरअसल ये वीडियो जो है दिल्ली का है, जहाँ पर दिल्ली से जो है राहुल गांधी एक ट्रक में बैठकर जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस बीच उन्होंने जो है ट्रक ड्राइवर को क्या क्या समस्या होती है उसका जो है जायज़ा लिया, ट्रक ड्राइवर को क्या क्या जो है समस्या आती है उससे पूछा, उनसे समस्या भी जाना। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिख रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही जो है राहुल गांधी कहीं पर भी जो है नज़र आने लगे, इसी तरह के जो है उनके वीडियो सामने आने लगे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन BNC News पे खबरों का सिलसिला जारी है।